फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 दे आर टोल्ड यू टू कंपेयर इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन रूट 5 अपॉन 3 कॉमा रूट 3 अपॉन 7 दोनों में से कौन बड़ा है वो हम लोग को देखने का है. सो फर्स्ट व्हाट विल डू हियर विल जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर रूट 5 इनटू रूट 7 करते हैं. रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 जा 35 और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इनटू 3 करेक्ट. सो मल्टीप्लाई दैट आल्सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9. नाउ यू आर टेल मी विच वन इज ग्रेटर रूट 35 इज ग्रेटर और 9 इज ग्रेटर. अगेन फॉर 9 व्हाट विल डू यू नो विल ऐड ऑन ए स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो फिर स्क्वायर रूट दोनों जगह पे आ जाएगा. समझ में आया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज हाउ मच इट इज 9. हमको आंसर आया चला 3 इंटू 3 9. 9 किसका स्क्वायर रूट है 81 का तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 डाल दो. तो इसमें आप लोग बता सकते हो अभी रूट 35 बड़ा कि रूट 81 बड़ा. ऑब्वियसली रूट 81 इज बिगर सो वी कैन राइट इट डाउन. देयरफॉर 35 इज स्मॉलर देन 81 यू कैन से. देयरफॉर रूट 5 अपॉन 3 इज स्मॉलर देन 3 अपॉन रूट 7 इट इज लाइक दिस. सो वी आर कंप्लीटेड हियर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे आपको दिया है 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 एंड रूट 63 अपॉन 125 स्क्वायर रूट. यहां पे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 रूट 5 इंटू रूट 125 इट इज इक्वल टू 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या आता है पता है 25 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज 125 ये स्क्वायर रूट था तो उसको भी स्क्वायर रूट में डाल दिया हम लोग ने. दैट इज इक्वल टू 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट क्या सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 5 का स्क्वायर रूट विल बी रूट 5. दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 करेंगे पहला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 15 रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 सो गेटिंग द आंसर एज 75. ये हो गया हमारा 3 रूट 5 इंटू रूट 125 वी गॉट इट एज 75. नाउ व्हाट विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर ऑल्सो 5 रूट 7 विल बी मल्टीप्लाइंग टू रूट 63. सो वी राइट इट डाउन 5 रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63 इज इक्वल टू 5 रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63. 63 किसके टेबल में आते हैं 9 7 जा 63 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर आता है 3 और रूट 7 विल बी एज इट इज. अभी हम लोग क्या करेंगे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 इज 15 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 कितना आता है 7 इट इज 105. सो विच वन इज ग्रेटर 74 और 105 105 इज ग्रेटर. तो 75 छोटा है 105 से इसका मतलब 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 इज स्मॉलर देन रूट 63 अपॉन रूट 125. सो लाइक दिस वे वी आर रिटन हियर 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 इट इज स्मॉलर देन स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 125. सो हियर वी आर कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 5 अपॉन 18 एंड 17 अपॉन 121 सो वी हैव टू सी विच वन इज ग्रेटर. यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड हियर ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट विल राइट इट हियर 5 इंटू 121
it is equal to what? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5 plus 1 is 6. Again, we have to multiply 18 into 17. So, 18 into 17, if you are doing, you will be getting the answer as 306. 17, 18s are 306. So, which one is greater? You all know, 605 is greater than 306. Therefore, 5 upon 18 is greater than 17 upon 121. So, here we have completed question number 3 also. 5 upon 18 is greater than 17 upon 121. Now we will see to next question, question number 4. In that square root of 80 upon square root of 48 and square root of 45 upon square root of 27. So first we will write here, square root of 80 upon square root of 48 is equal to, अभी एक इसके टेबल 16 5 जा 80 और नीचे भी 16 3 जा 48, करेक्ट. सो गेटिंग द आंसर एज 4 रूट 5 अपॉन 4 रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट 5 विल बी एज इट इज, नीचे भी 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट 3 एज इट इज, 4 4 कैंसल, तो रूट 5 अपॉन रूट 3 आपका आंसर आया रूट 80 अपॉन रूट 48 का. सो लेट दैट बी माय इक्वेशन नंबर 1. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं. अभी राइट वाला कॉलम लेते हैं, रूट 45 अपॉन रूट 27 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5 45 आता है और नीचे 9 इंटू 3 27 आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 है 3 और रूट 5 विल बी एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अगेन नीचे 3 और रूट 3 इज एज इट इज, 3 3 गेटिंग कैंसल, रूट 5 अपॉन रूट 3 इक्वेशन नंबर 2 है, करेक्ट. दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2. सो फॉर 1 एंड 2 व्हाट वी आर गेटिंग हियर, बोथ आर इक्वल. सो वी कैन राइट इट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रूट 80 अपॉन रूट 48 इज इक्वल टू रूट 45 अपॉन रूट 27 फ्रॉम 1 एंड 2. सो दैट वन विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. सो हियर बोथ द रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर. सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी विल सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर गिवन टू यू एज 9.2 upon 5.1 and 3.4 upon 7.1. So we have to tell which one is greater. So written on my left hand side, 9.2 upon 5.1, comma 3.4 upon 7.1. So here what we will do, we will do a first cross multiplication. 9.2 into 7.1 करेंगे और यहाँ पे भी 3.4 into 5.1. It is equal to, now you have to do a rough column. रफ कॉलम में 92 इंटू 71 करो तो आपको आंसर आएगा 6532. लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर, तो दो नंबर के पहले यहाँ पे आपको पॉइंट डालने का. इट इज लाइक दिस. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 34 by 51, विल बी गेटिंग द आंसर एज 1734.
यहाँ पे भी आप देखेंगे पॉइंट के बाद एक नंबर है और एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल दो नंबर है, तो पीछे से दो नंबर के पहले पॉइंट। फ्रॉम हियर ऑन वी कम टू नो 65 बड़ा कि 17 बड़ा, 65 इज ग्रेटर, राइट हियर 65.32 इज ग्रेटर देन 17.34, देयरफॉर 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑल्सो। So we got the answer as 9.2 upon 5.1 is greater than 3.4 upon 7.1. So I completed your question number 3rd ka 5th sum. Now we see to next question, question number 4. So in question number 4 ka first sum they are given to you all, coordinate at ABCD is a parallelogram. Ratio of angle A and angle B they are given to you as 5:4. You have to find the measure of angle B. It is like this way. Been told to you all in your textbook. So I written here coordinate at ABCD एक parallelogram है, ratio of angle B और A और B का 5:4 है। तो मैंने आपको question number 1, question number 2 में कहा था कि जब कभी भी अगर ratio दिया जाता है directly we have to write down let the common multiple be x। So write it down here, let the common multiple be x। समझ में, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, उसके बाद मेजर ऑफ एंगल ए कितना रहेगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू 5 × x आएगा 5x, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 4 × x, बी है ना, बी का बाद में वाला 4 x, करेक्ट। अगेन वी नो कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाता है, एडजेसेंट एंगल है वो पैरेललोग्राम का, करेक्ट, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, दीज आर व्हाट एडजेसेंट एंगल। एंड वी आल्सो नो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। Actually, this lesson is there in Maths 2. If you all go to playlist and you can see my previous videos also of geometry. So, वहाँ पे parallelogram का मैंने I have done with the theorems also. You can go through that also. So, based on that only we are writing it here. Sum of adjacent angle of a parallelogram it is 180 degree. It is like this way. So, therefore we can write it down. Therefore, measure angle A प्लस मेजर एंगल बी इट इज 180 डिग्री, करेक्ट। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी का वैल्यू होता है 180 डिग्री। एंगल ए का मेजरमेंट है 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180, 9 मल्टीप्लाई है इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आती है वो हो जाता है डिवाइड, इट इज इक्वल टू 20, एक्स का वैल्यू 20 है, हमको मेजर ऑफ एंगल बी चाहिए था, सो कैन राइट इट डाउन, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 4x, 4x का मतलब होता है 4 × x का वैल्यू अभी आया था 20, सो इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो गॉट द आंसर ऑल्सो, द मेजर ऑफ angle B, you can see the measure of angle B is equal to 4x, that is equal to 4 × 20, that is equal to 80 degree. So here we have completed our question number 1. Now we see to next question. So in question number 2nd also they are given to you all, ratio of present age of Albert and Salim is 5:9. Jo pehla line rehta hai that you have written it first, uske baad ratio ke baad kya likhte hai, let the common multiple be x. So right here, let the common multiple be x. Therefore, present age of पहला कौन है, अल्बर्ट है, तो अल्बर्ट का लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू, पहला नंबर भी अल्बर्ट का ही रहेगा 5x, एंड प्रेजेंट एज
ऑफ नेक्स्ट कौन है सलीम, सलीम इज इक्वल टू 9x ईयर्स करेक्ट एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज ऑल्सो 9x ईयर्स. 5 ईयर हेंस अभी आपको दिया है 5 ईयर हेंस दोनों पहले वो वर्ड लिखेंगे 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 5 ईयर्स. एज ऑफ द अल्बर्ट कितना रहेगा, एज ऑफ अल्बर्ट विल बी अभी उसका उम्र कितना था 5x प्रेजेंट एज 5 साल के बाद कितना होने वाला है वो 5x प्लस 5. बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लाई लिखते हैं, ऐसा नहीं. अगर अभी आपका उम्र है 15 इयर्स का 5 साल के बाद कितने साल के होने वाले हो 15 प्लस 5 इट इज 20 इयर्स. ऐसा नहीं होगा 15 इंटू 5 75 इयर्स इट वोंट बी पॉसिबल. सो आफ्टर 5 इयर्स वी हैव टू एड अप हियर हियर आल्सो एज ऑफ सलीम विल बी हाउ मच इट इज 9x प्लस 5 इयर्स. बट व्हाट इज द गिवन कंडीशन कि आफ्टर 5 इयर्स द रेशियो विल बी हाउ मच इट इज 3:5 दैट इज बीन गिवन टू यू ऑल. तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हाट इज द रेशियो गिवन टू यू ऑल, द रेशियो दे आर गिवन यू एज 3:5 और यहां पे आएगा 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5. यू कैनॉट कैंसल 5 अप एंड डाउन, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसके लिए कैंसल नहीं कर सकते ऊपर और नीचे, दैट यू टू टेक केयर. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, हियर यू टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 5x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 9x के प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है. व्हेन यू ओपन अप द ब्रैकेट तो 5x को मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 5 इज 25x प्लस 5 इज 25 इज इक्वल टू 9 3 इज 27x प्लस 5 3 इज 15. तो हम लोग क्या करेंगे पता है, जो नंबर्स है नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं अल्फाबेट को राइट हैंड साइड में लगता है. तो पहले लिखेंगे 25 प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15 होता है इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू के बाद 27x इज देयर सो प्लस 25x व्हेन इट कम्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू इट बिकम माइनस 25x करेक्ट. सो 25 माइनस 15 इज हाउ मच इट इज 10 और 27x माइनस 25x आता है 2x. तो वी कैन राइट इट हियर एज 2x इज इक्वल टू 10 देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 10 तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. सो x वैल्यू इज 5 व्हाट आई टोल्ड यू टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द पर्संस. सो प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट वॉज हाउ मच इट वॉज 5x इट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू ऊपर आया था 5 इट इज इक्वल टू 25 इयर्स. ये हो गया अल्बर्ट का उम्र 25 इयर्स. सो नाउ वी हैव टू सी द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम ऑल्सो. सो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इट इज हाउ मच, यू कैन सी प्रेजेंट एज ऑफ सलीम वॉज 9x तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 इयर्स. सो वी गॉट द बोथ द पर्सन एज, सलीम का एज है 45 इयर्स और अल्बर्ट का एज है 25 इयर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
सो इन क्वेश्चन नंबर थ्री दे गिवन टू यू ऑल रेशियो ऑफ लेंथ और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1। तो जैसे रेशियो आता है वैसे लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर लेंथ क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल टू 3x और ब्रेथ इज इक्वल टू 1x दिया, करेक्ट। लेंथ हो गया हमारा 3x और ब्रेथ हो गया 1x फॉर अ रेक्टेंगल, इट इज लाइक दिस वे एंड इट इज इन सेंटीमीटर, सो राइट हियर 3x सेंटीमीटर एंड 1x सेंटीमीटर। नाउ दे आर गिवन टू यू ऑल, पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, गिवन दैट पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो दिस इज द पेरीमीटर बीन गिवन टू यू ऑल इन योर टेस्ट बुक। सो यू ऑल नो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, पेरीमीटर है हमारे पास 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू कितना है, लेंथ का वैल्यू 3x प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 1x, देयरफॉर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 1x होते हैं 4x, करेक्ट। देयरफॉर 36 इज इक्वल टू 8x आ गया, सो 4x मल्टीप्लाई बाय 2x वी आर गेटिंग हियर एज 8x। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, सो x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 अपॉन 8, इट इज इक्वल टू 8 फोर द 32, 36 में से 32 गया तो 4 बचता है, 4 एंड 0 इज 40, सो 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज जस्ट 4.5, वो आ गया हमारा x का वैल्यू। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एज वेल एज ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन माय राइट हैंड साइड। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5, इट इज इक्वल टू 15 एंड 21.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 3 15, 4 3 12, 13.5 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स योर लेंथ। ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 1 इंटू 4.5, that is equal to 4.5 centimeter. So we got both the value, length we got as 13.5, breadth we got as 4.5 centimeter. So here we have completed our question number 3.